उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद से जुड़े देवी पाटन मंडल के बलरामपुर जिले में सपा नेता की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का कानून अपने हाथ में लेने और राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल का पुराना इतिहास रहा है। बलरामपुर के तुलसीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को कथित राजनीतिक रंजिश के चलते से हुई एक सपा नेता की हत्या के मामले में पूर्व सपा सांसद व पूर्वांचल के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। करीब 30 साल से अपने राजनीतिक सफर के दौरान 3 बार विधायक व 2 बार सांसद बने रिजवान जहीर सपा बसपा कांग्रेस व पीस पार्टी का दामन थाम कर राजनीतिक रसूख हासिल किया। अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में आगजनी व बलवा के आरोप में जहीर का जेल भेजा गया। इसको लेकर आपराधिक छवि के बाहुबलियों पर शिकंजा कसने वाली योगी सरकार के निर्देश पर रिजवान पर रासुका भी लगाया गया। जेल से बाहर आते ही रिजवान की पुनः विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर गणित बैठाना शुरू कर दिया और अपनी पुत्री जेवा रिजवान को विधानसभा भेजने की तैयारी में जुट गए। रिजवान ने अपनी इकलौती बेटी जेवा के साथ समाजवादी पार्टी में 17 साल बाद वापसी की है।